18 तारीख की रात को अमीर बालात जो है, जिसका वालिद टीपू ट्रकों वाले के नाम से मशहूर है, उसकी डेथ हुई फायर लगने से। वो एक शादी के फंक्शन में गया हुआ था जो कि पार्क व्यू सोसाइटी है चूंग में। वहाँ पर एक रिटायर्ड डीएसपी के बेटे की शादी थी, ये वहाँ पर शादी अटेंड करने गया और 10 बजे के अराउंड वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हुई और जो इसको डायरेक्ट वहाँ पे फायर लगे इसकी मौके पे डेथ हो गई अमीर बालाज की। और इसके साथ जो 2 बंदे और ज़ख्मी हुए, फरदीन भट्ट और जो उसमें डीएसपी है अकबर उसका बेटा, वो अभी ख़तरे से बाहर हैं दोनों और इसकी मौके पे डेथ हो गई। इसके जो शूटर था वो अमीर के जो गनमैन है उसकी फायरिंग से हलाक हो गया। इसके अलावा भी 3 से 4 जो है वो नामालूम अशखास थे जो कि बाहर फायरिंग करते रहे उस एरिया के, और काफ़ी ज़्यादा फायरिंग की गई है। इसके मुतालिक अभी शूटर की जो है नहीं हुई आइडेंटिफिकेशन। अभी वो नादरा को भी इसके भेज दिए गए हैं थंबप्रिंट्स और मज़ीद इसकी फ़ोटोग्राफिक जो एनालिसिस है वो किया जा रहा है, लेकिन सो फार अभी इसकी शनाख्त नहीं हुई, लेकिन जल्द हो जाएगी। इसके अलावा इतने 6-7 टीम्स हमने बना दी हैं जो मुख्तलिफ एंगल्स पर काम कर रही हैं, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस है और इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उन पे काम हो रहा है। FIR जो है वो नॉमिनेटेड है, इनके जिनके साथ दरीना दुश्मनी थी उनको नॉमिनेट किया है मुदई ने, और उसका ये है मौक़िफ़ है कि उनके ईमा पे ये इन शूटर ने आके अमीर को कत्ल किया है। अच्छा मैडम मुझे बताइएगा कि कितनी टीमें बनाई गई हैं मुल्जमान की गिरफ्तारी तक, अब मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए अब तक कितनी टीमें बनाई गई हैं और कहाँ कहाँ रेड किया है अब तक, और फिंगरप्रिंट के हवाले से शिनाख्त के हवाले से अब तक क्या क्या पेश है? इस केस को ट्रेस करने के लिए 6 से 7 बना दी गई हैं टीम्स जो कि डिफरेंट एंगल्स पे काम कर रही हैं। एक टीम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रही है, क्योंकि जहाँ पे जियो फेंसिंग अगर कोई फ़ोन यूज़ हुआ है वहाँ पर उस टाइम पर उसको एनालिसिस करेंगे, जियो फेंसिंग होगी। इसके अलावा एक टीम जो है वो इसका इस पर ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम करेगी, जिन पे शक हो सकता है कि ऐसे कौन से शूटर्स हो सकते हैं जो इन मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और जो इस दरीना दुश्मनी के अंदर जो चीज़ें सामने आएंगी उस पर काम करेगी, वर्किंग चलती रहेगी। तो साइड बाय साइड डिफरेंट टीम्स काम कर रही हैं और जो भी इसमें हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस मिलेगी और जो भी हमें इसमें टेक्निकल एनालिसिस का रिजल्ट मिलेगा उसकी बेसिस पे जितने शूटर्स हमारी लिस्ट हमने इसमें निकाल ली है उनको वन बाय वन चेक भी करेंगे, और हो सकता है कि उन शूटर्स के साथ उनका रबता हो, मे बी वो इटसेल्फ अगर नहीं भी हैं। सो अभी इट्स टू अर्ली टू से कि हम इसमें आगे प्रोग्रेस यही है कि इस पर हम वर्किंग कर रहे हैं, पोस्टमार्टम भी अभी हो रहे हैं जिनकी डेथ हुई है। सो अभी इनिशियल यही है, उसके अलावा जो इसमें मजीद प्रोग्रेस आएगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहे दुनिया भर के अहम हालात वाकियात और अहम खबरों से, अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, और हमेशा बाखबर रहें।